दोस्तों, अगर रेगिस्तान की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा डेजर्ट माना जाता है, जहाँ पर भयंकर गर्मी होती है। यहाँ पर झुलसा देने वाली गर्मी रहती है, साल में 2 से 10 इंच तक ही बारिश होती है, जो कि एटमॉस्फेयर के लिए बहुत कम है। दोस्तों, वहाँ पर पाया जाने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच है, जिसकी लंबाई कम से कम 2 से 2.5 मीटर होती है। यहाँ पर इनकी वजन 70 से 145 किलोग्राम भी हो सकता है। इनके अंडों का ही वजन केवल 2 किलोग्राम होता है। ये कम से कम हफ्तों तक पानी की कमी के कारण भी रह सकते हैं। पानी की कमी के कारण ये सुबह पत्तियों को खाते हैं। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें फेनेक फॉक्स की, यह दुनिया की सबसे छोटी फॉक्स है। अपने कानों की वजह से यह जाना जाता है। छोटे मोटे जीवों को खाता है। यह छिपकली जैसे चिड़ियों के अंडे, पौधों की पत्तियों को भी खाता है। पानी की कमी के कारण यहाँ पर पौधों की पत्तियों को, फल को भी खाता है। यह 2 से 3 फीट का होता है। इसका वजन 2 से 13 किलोग्राम होता है और यह 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। यह इतना सुंदर जीव है, यह दुनिया का सबसे छोटा फॉक्स माना जाता है। डेजर्ट में पाई जाने वाली यह लिजर्ड एक ऐसी छिपकली है जो कि 1 मीटर लंबी भी हो सकती है और यह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। यह भोजन की तलाश में बहुत दूर तक निकल जाती है। शिकार को अपनी जीभ के जरिए ही गंध से पता लगा लेती है। यह काफ़ी लंबे समय तक बिना खाए पिए भी रह सकती हैं। इनको बिना खाए पिए यह हफ्तों, महीनों, कई महीनों तक रह सकती हैं। ये इनकी लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर ही होती है। तो अगर हम ऊँटों की बात करें तो रेगिस्तान के, यह रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, जिन्हें जिनकी लंबाई 10 से 11 फीट के आसपास होती है, जो 400 किलोग्राम से लेकर 600 किलोग्राम तक होते हैं। ये 32 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल सकते हैं। इन्हें बिना खाए पिए हफ्तों तक रह सकते हैं। इन्हें अनाज बहुत ज़्यादा पसंद होता है। यह रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है।